नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि बृहस्पतिवार आज सुबह 6:15 बजे तक लगा रहेगा। तत्पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भिषा नक्षत्र आज दिन भर लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, स्पष्ट बोलने वाले, स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। ये अपने अनुसार काम करने वाले, दृढ़ निश्चय, तकनीकी तथा वैज्ञानिक कार्यों में रुचि रखने वाले, कला और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक राजनीति में प्रवीण, उग्र मनोवृत्ति वाले, छिद्रान्वेषी और उच्च महत्वाकांक्षी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, राहु और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज चंद्रमा कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद मिथुन राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुने, नोट कर लें और उस पर अमल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए मुख्य रूप से आय संबंधी मामलों में निजी संबंधों को सुधारने और उन्हें सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र की सक्रियता के प्रति पहल करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, अतः विचारों में भ्रमात्मक स्थिति का उतार चढ़ाव संभावित है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता और पारिवारिक तालमेल में कमी हो सकती है, मगर आय संबंधी मामलों में सहयोग बना रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ और संतान पक्ष से निश्चिंतता महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मन मुताबिक बना रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के प्रति सुदृढ़ व्यवस्था बनाना, उसमें सुधार और विकास के प्रति किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति संजीदगी की मनोवृत्ति बनी रहेगी। अपनी कार्य योजनाओं में नया फैसला लेना आज के लिए उचित नहीं होगा। पारिवारिक संबंधों में मधुरता और पिता के प्रति नज़दीकी का संकेत मिलता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विवादित मामलों में ठोस निर्णय लेने के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। संतान संबंधी मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में व्यस्तता बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति में आ रही रुकावटों को खत्म करने की प्रवृत्ति, साझेदारी के कामों से कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता और साथ ही साथ रचनात्मक कार्यों में बुद्धि कौशल के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र के विस्तार में सहयोग जारी है। आर्थिक लाभ की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। बच्चों के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और पारिवारिक माहौल संतुलित रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी और अनियमितता के उद्देश्य से निजी संबंधों में तनाव और अनबन के मामले में और साथ ही साथ संतान संबंधी चिंता और दायित्व के प्रति आज की मानसिकता बनी रहेगी। अनचाहे यात्राओं का योग भी संभावित है। हालांकि भाग्यवश अच्छी आत्माओं का सहयोग और उनकी प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता का उद्देश्य पूरा होगा। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में अष्टम भाव में चल रहे हैं। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का दायित्व न चाहते हुए भी उठाना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन परिश्रम वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए साझेदारी के मामलों में सुधार के प्रति, निजी संबंधों और भावनात्मक रिश्तों के सुधार के प्रति, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के प्रति विकास और रचनात्मक पहल करने के उद्देश्य में व्यस्तता बनी रहेगी। भ्रमात्मक स्थिति का आवरण मानसिकता पर हावी रहेगा। कार्य क्षेत्र में आ रही कमी को सुधारने के लिए प्रयास जारी रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी विशेष तौर से रखनी पड़ेगी।
कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी और दिक्कतों के प्रति, निजी सुख संतुष्टि में कमी और मां के चिंता के प्रति, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के सुधार के प्रति आज की मानसिकता बनी रहेगी। फेफड़े और सांसों से संबंधित समस्याओं की संभावना बनती है, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में निरंतरता बनाए रखें और साझेदारी के कामों में लाभ की संभावना बनती है। तुला राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावट और व्यवधान से संबंधी मामलों में, हर काम करने के सार्थक पहल में कमी के संबंध में, साथ ही साथ निजी संबंधों के सुधार के प्रति मानसिकता बनी रहेगी। चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने की वजह से उपर्युक्त विषय में संबंधित मामलों में उतार चढ़ाव की संभावना बनती है, मगर बृहस्पति और शुक्र का सहयोग आपके हर कमी को पूरा करने के लिए सक्षम होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति आपके मेहनत और प्रयासों के ऊपर निर्भर करेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत का संकेत मिलता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सुचारू ढंग से चलते हुए कामों में रुकावट के संबंध में, अनावश्यक मानसिक चिंता और शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार के उद्देश्य से, साथ ही साथ विभागीय मामलों में विवाद और प्रतिनिधित्व करने के संबंध में मानसिकता बनी रहेगी। हालांकि पारिवारिक सुख स्वभाव में वृद्धि का संकेत मिलता है। चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने से मानसिक भ्रम और दुश्चिंताओं का दौर चलता रहेगा, मगर शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सामान्य रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में भरपूर प्रयास के प्रति अपने अतिरिक्त ऊर्जा को सही दिशा में निवेशित करने की मानसिकता, साथ ही साथ काम करने में प्रभावित हुई अभिरुचियों को सही दिशा में निवेशित करने की मानसिकता बनी रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र के प्रति आपका दृढ़ विश्वास बना रहेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति बरकरार रहेगी। आज के लिए आपका प्रयास लगभग हर मामले में सफलता दिलाएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर अपने अभ्यास की निरंतरता बनाए रखें। मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार और विकास के प्रति, साथ ही साथ घर गृहस्थी पर खर्च और अपव्यय को नियंत्रित करने की मानसिकता बनी रहेगी। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और नई कार्य योजनाओं के लिए विभागीय सहयोग बना रहेगा। आपके प्रयासों में शासन सत्ता का सहयोग भी बरकरार रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी का संकेत मिलता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों के संबंध में, आर्थिक लाभ की चिंता को दूर करने के संदर्भ में, साथ ही साथ कार्य व्यवसाय को सुचारू ढंग से चलाते रहने के संदर्भ में मानसिकता बनी रहेगी। हालांकि विभागीय अधिकारियों का सहयोग आपकी भ्रमात्मक स्थिति को दूर करने में सहायक होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में अनावश्यक रुकावट या अड़चन की संभावना बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला होगा, मगर सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें। मीन राशि के जातकों के लिए अनावश्यक खर्च की स्थिति के संबंध में, निजी निवेश संबंधी मामलों में कार्य योजनाओं के रुकावट को दूर करने के संबंध में, साथ ही साथ सार्थक पहल और टालू प्रवृत्ति के सुधार के संबंध में मानसिकता बनेगी। चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने से महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए स्थगित कर देना चाहिए। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में संघर्ष की स्थिति संभावित है और संतान संबंधी मामलों में अनावश्यक यात्रा का संकेत मिलता है। आइए अब मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष उपाय की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के व्यक्तियों को अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता के लिए इन उपायों को करना चाहिए।
यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता हो, जीवन में संघर्ष की स्थिति हो, तो जीवन में अनुकूलता के लिए हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें तथा चांदी का एक छेद वाला सिक्का बनवाकर अपने पास रखना चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हों तो गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। यदि जीवन में आकस्मिक बाधाएं आती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकें दान स्वरूप देनी चाहिए। शिक्षा का दान करने से भी अनुकूलता प्राप्त होगी। यदि दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा है तो काले वस्त्र पर सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए जिससे आपको धन की प्राप्ति होनी है तथा उस वस्त्र को किसी डिब्बे में बंद करके रख देना चाहिए। शेयर आदि में अकस्मात धन लाभ के लिए पीपल के 5 सूखे हुए पत्ते लेकर उसमें शनिवार के दिन किसी बंद कुएं में अपनी मनोकामना को कहते हुए डाल देना चाहिए। संतान सुख के लिए खुशबूदार फूलों वाले पौधे घर में लगाने और उनकी देखभाल करनी चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए किसी धार्मिक स्थल में जाकर श्रमदान करना चाहिए तथा साधुओं व फकीरों को भोजन कराएं और प्रसन्न करें। निरंतर परेशानियां मिल रही हैं तो सिरहाने फिटकरी रखकर सोना चाहिए तथा स्नान के जल में कुछ फिटकरी डालकर स्नान करना चाहिए। जब भी आप किसी अस्थाई समस्या से विशेष रूप से पीड़ित हों तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की 5 परिक्रमा करते हुए अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मनोरथ पूरे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।